एक SSB रिटायर्ड अजान के वक्त में शहीद किया गया। मुझे समझ नहीं आती है जो ये मकसद कैसे इससे पूरा होगा। हम लोग भारत का एक हिस्सा हैं, भारत का हिस्सा थे और भारत का हिस्सा रहेगा। आतंकवाद का अगर हमने खत्म करना है, आतंकवाद को खत्म करने के लिए वो रास्ते निकालने पड़ेंगे जिनसे आतंकवाद खत्म हो सकता है। सिर्फ चिल्ला चिल्ला के ये कहना कि कश्मीर बिल्कुल ठीक हो गया क्योंकि टूरिस्ट आ रहे हैं, अगर एक भी टूरिस्ट शिकार हो गया तो ये टूरिज्म सेकंड में खत्म हो जाएगा। इसे आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए मरकज की हुकूमत को सोचना चाहिए कि सिर्फ फौज पुलिस इससे ये आतंकवाद खत्म नहीं होगा, इसकी बुनियादें जो हैं उनको देखना पड़ेगा और उन बुनियादों को ठीक करने की कोशिश करनी पड़ेगी जिससे कि ये आतंकवाद खत्म हो। कश्मीर के बाद अब जम्मू संभाग में भी पुंछ और राजौरी में भी आतंकी गतिविधियां देखने को मिल रही हैं, तो क्या लगता है हालात बदले हैं या बदतर हुए हैं? जनाब मरकज तो कहता है कि बहुत अच्छा हो गया है, हम लोग बिल्कुल ठीक है, हंकी डोरी है यहाँ पे। आप कहते हैं यहाँ पे ये हो रहा, या तो हमारी नजर और आपकी नजर में फर्क है, उनकी नजर को दिखता नहीं है। वो तो हमें कहते थे कि 370 जो है वो रिस्पॉन्सिबल है आतंकवाद का, आज तो 4 साल से 370 नहीं है, तो फिर कहाँ है वो शोर करने वाले जो हम पे उंगली उठाए। आज तो इनका शासन है, दिल्ली का डायरेक्टली शासन है, उन्हें सोचना चाहिए। शोर करने से और दुनिया में एक डंडूरा पीटने से कुछ नहीं होगा, लोग यहाँ मर रहे हैं। सोल्यूशन क्या है फारूक साहब? सोल्यूशन इनको ढूंढना पड़ेगा। फारूक अब्दुल्ला के पास कोई ऐसी किताब नहीं है जिसे सोल्यूशन निकलेगा, सोल्यूशन इनको ढूंढना पड़ेगा। आपको लगता है इंडिया पाकिस्तान से बात करनी चाहिए? ये उनको देखना पड़ेगा।